आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने जनपद वासियों को दी नववर्ष 2022 की शुभकामनाएं। नोएडा मजदूर संगठन सीटू और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से मजदूर नेता सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने सुख शांति समृद्धि और सभी के स्वस्थ जीवन की मंगल कामनाओं के साथ सभी मित्रों कार्यकर्ताओं और देश व जनपद वासियों को सह परिवार नववर्ष 2022 की शुभकामनाएं दी। देखते हैं इस रिपोर्ट को। धन्यवाद आप तक टाइम्स। गंगेश्वर दत्त शर्मा जिलाध्यक्ष सीआईटू गौतम बुद्ध नगर, सभी साथियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नया साल सभी को सुख में शांति में हो ये कामना सीआईटू की तरफ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से करते हैं। और ये साल संघर्षों का साल होगा, जहां किसानों ने पिछले साल संघर्ष के साथ आगाज किया और जीत के साथ जो है साल का जो समापन हुआ। वर्ष 2022 भी मजदूरों ने 23 और 24 फरवरी को 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। मेहनत का आह्वान से हम अपील करते हैं कि किसानों के आंदोलन से सबक लेते हुए मजदूर विरोधी लेबर कोडों को रद्द कराने के लिए 23 और 24 तारीख की जो हड़ताल होने जा रही है उस हड़ताल की तैयारी में अभी से साथी लग जाएं, हड़ताल को कामयाब बनाएं। अभी सभी मेहनत का आह्वान से अपील भी करते हैं कि 24 तारीख 23 फरवरी को जो हड़ताल है सब लोग उसमें हिस्सेदारी करें। और एक बार पुनः सभी साथियों को मेहनत का आह्वान को सीआईटू की ओर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिंदाबाद 24 फरवरी की हड़ताल जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे 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 लड़ेंगे जीतेंगे 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 24 फरवरी की हड़ताल जिंदाबाद।